नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। अंधे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 24 घंटे में ही पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। शनिवार सुबह जुन्नारदेव थाना पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव नंदलाल स्कूल के खेल मैदान में खून से सना पड़ा है। जुन्नारदेव पुलिस को सूचना तस्दीक हेतु घटना स्थल नंदलाल सूद स्कूल मैदान पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला, जिसकी मौके पर पहचान आशीष चौरसिया पिता योगेंद्र चौरसिया उम्र 35 साल निवासी वार्ड नंबर 3 जुन्नारदेव के रूप में की गई। अज्ञात आरोपी द्वारा मृतक आशीष चौरसिया को धारदार हथियार से सिर, गला, पीठ, पेट, साथ में करीबन 30 प्राणघातक हमला कर हत्या कर फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा घटना को गंभीरता से देखते हुए मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रकरण के विवेचना के दौरान घटना स्थल पर मृत अवस्था में मिले आशीष चौरसिया के शरीर पर कई चोटें पाई गई। यहां तक कि घटना स्थल के आसपास मिले साक्ष्यों को संकलन कर बारीकी से जांच किया जा रहा है। मौके पर FSL एवं अन्य तकनीकी विशेषज्ञों ने भी साक्ष्य जुटाए। जुन्नारदेव पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना में अज्ञात आरोपी की तलाश एवं मृतक आशीष चौरसिया के संबंध में बारीकी से जानकारी प्राप्त की और संबंधित अन्य लोगों की जानकारी गोपनीय रूप से प्राप्त की गई, जिसमें मृतक के बारे में कुछ लोगों से घटना के पूर्व विवाद होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसे बारीकी से पतासाजी करने पर आशीष चौरसिया का जुन्नारदेव निवासी महिला से जान पहचान होने से जुन्नारदेव निवासी राकेश और बाबू यादव को आपत्ति होने की जानकारी प्राप्त हुई। आरोपी द्वारा आशीष चौरसिया की आत्मा स्वयं पर न झूमने के डर से मिट्टी डालकर हत्या के पश्चात घटना स्थल से फरार हो गया। पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी राकेश और बाबू पिता रामजी यादव उम्र 40 वर्ष से घटना में प्रयुक्तवा मोबाइल, कपड़े एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव थाना क्षेत्र में 3 जून की मॉर्निंग में एक शव मिला था जुन्नारदेव स्टेडियम के पास, और ये शव खुले मैदान में मिला था और उस पर कई सारे स्टैब वुंड्स थे, जिसके घटना क्या हुई और उसकी तलाश करना पुलिस के लिए एक चुनौती थी। ये शव स्पॉट पे आशीष चौरसिया के नाम से आइडेंटिफाई हुआ, जो लोकल रेजिडेंट था वहाँ का, और बाद में तस्दीक करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर इसके जिम्मेदार व्यक्ति बाबू यादव उर्फ राकेश को जुन्नारदेव पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। पता चल रहा है कि प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ ईर्ष्या भावना के कारण इसने मृतक को मौत के घाट उतारा, और जो वेपन यूज हुआ था नाइफ स्टैब इंजरीज के लिए, वो उसको भी रिकवर कर लिया गया है, जिससे फिंगरप्रिंट कुछ लिफ्ट हुए, जो उम्मीद है हमें अदालत में भी हम प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ ये एक बहुत ही भीषण किस्म का अपराध था, जिसमें काफ़ी निर्ममता से हत्या की गई थी, इसलिए पकड़ना शीघ्र इसके लिए अति आवश्यक था। और इस चैलेंज को जुन्नारदेव पुलिस ने स्वीकारा और TI ब्रजेश मिश्रा की लीडरशिप में इनकी टीम द्वारा बहुत शीघ्र सफलता हासिल की गई। इनकी अच्छी कार्रवाई के लिए 10,000 रुपये का रिवॉर्ड भी इनको दिया जा रहा है और अपराधी की गिरफ्तारी कर न्यायालय पेश कर दिया गया है। जो संबंध एक महिला से मृतक के थे, वो संबंध पूर्व में इसी महिला द्वारा बताया जा रहा है कि मारने वाले से थे, क्योंकि उसके संबंध अब उस महिला से और आगे नहीं थे, तो ईर्ष्या भावना से और द्वेष भावना से उसने इसके जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया और उसको इस तरह स्टैब करके उसको मौत के घाट उतारा। ये अभी तक हमारे एविडेंस में सामने आया है, बाकी इंक्वायरी भी जारी है। कटनी जिले के बोरीबंद तहसील के अंतर्गत बेखौफ खनन माफिया, जिम्मेदार माइनिंग अधिकारी मौन, इन क्षेत्रों में इंसानों से लेकर जानवरों तक हर समय बना रहता है जान गंवाने का खतरा। आमोच बॉक्साइट एंड ओकर माइंस पर कार्य कर रहे मजदूरों ने खुद ही बयां की अपनी दुखद पीड़ा, जरा आप भी देखिए। जिला कटनी के तहसील बोरीबंद अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुआं से लागे खड़गा, कछार गांव, निमास, आमोच, धनगवा, छपरा, स्लिमनाबाद, इन सभी गांव से लगे हुए जंगलों के बीच चल रही है दर्जनों मार्बल की खदानें। खदानों की खुदाई इस तरह की जा रही है जिसे देखते ही आंखें फट जाती है। गहराई निर्धारित समय सीमा से अधिक होती जा रही है, लेकिन जिले का कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। कई खदानें ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं, लेकिन उन बंद पड़ी खदानों में सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल व तार फेंसिंग तक नहीं है, जिससे उन खुली पड़ी खदानों में अनेकों जानवर गिर कर मर चुके होंगे और मरते होंगे, जिन्हें देखना कोई अधिकारी कर्मचारी वहां नहीं पहुंचता कि इस तरीके से खनन के रसूखदार अपना साम्राज्य फैलाए बैठे। ये न्यूज़ टुडे से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। दतिया
चौथे दिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रहे प्रवास पर। मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने दतिया प्रवास के चौथे दिन रविवार को जिले के विभिन्न ग्रामों का दौरा किया और लोगों के बीच वार्तालाप किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिला हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया, जिसमें भागौर में 431, आगोरा में 326 एवं बासनी में 405 स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने भागौरा, आगोरा और बाजनी में विभिन्न ग्रामीण लोगों को संबोधित किया और सरकार की योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करने के लिए प्रति प्रोत्साहित किया। दवाई फ्री में, सगाई फ्री में, अभी बेटियों की शादी करी तो यहाँ पे बाजनी से कोई बेटी आई थी क्या सीओ साहब? कोई कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। एक थी सेक्रेटरी, क्या बोल रहे हो? एक तीन बेटियां थी यहाँ की, तो सबको 49,000 रूपये तीनों बेटियों को दिए नगद। अब तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे कि नहीं? हाथ रतनगढ़ वाली माता की कुछ सवाल। आज भैरों का दिन है, क्यों आए जी? भी सब बहनों को मालूम है, अभी हमारे जनपद अध्यक्ष की बताई रहे थे। कुछ बातें और पूछते हैं, कुछ भाइयों से होंगी। एक पहली बात तो आपसे पूछ रहा हूं बहन, नल में पानी आता है? आता है। काय का आता है पूछो। ईदगाह परिसर में अवैध रूप से बनी 15 दुकानों को किया जमीन दोज। एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में हुई प्रशासनिक कार्रवाई। शिवपुरी प्रशासन ने रविवार को शहर के ईदगाह परिसर के बाहर अवैध रूप से बनी 15 दुकानों को जमीन दोज कर दिया है। इस निर्माण की कई शिकायतें पूर्व में दर्ज कराई गई थी और इसके साथ ही प्रशासन ने कई बार इनको नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अमल न होने की वजह से आज प्रशासन ने अवैध रूप से बनी इन दुकानों को जेसीबी मशीन की सहायता से जमीन दोज कर दिया। कार्यवाही से पहले प्रशासन ने ईदगाह के आसपास की सभी छोटी गलियों एवं मुख्य सड़क पर आवागमन को बंद कर दिया था तथा भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, नगर पालिका सीएमओ एवं 3 थानों की पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। ए न्यूज टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। ये क्या पूरा मामला है? ये जो सर्वे नंबर 726 है, ये शासकीय नजूल पठार की भूमि थी जिस पर कुछ दुकानें निर्मित की गई थी, जिनको पूर्व में नोटिस दे दिया गया था, काफ़ी समय दिया गया था। और फिर सुबह सुबह कुछ लोग आए जिनका कहना था कि साहब हम खुद ही उसको डिसमेंटल कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं अपने अमले के साथ। हमारा अमला उनकी मदद कर रहा है और खुद ही डिसमेंटल कर रहा है, कोई समस्या उसमें हुई नहीं। ऐसा ही बताया जा रहा है कि सर ये कुछ न्यायालय में विचाराधीन भी चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं? 726 शासकीय नंबर है, उस पर कोई न्यायालय में केस नहीं। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम जनकर अपना रंग दिखा रहा है। सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी सरकार वापस से सत्ता हासिल करने के हर हथकंडे अपनाती हुई नजर आ रही है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर आज किरार धाकड़ नगर समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। धाकड़ समाज के कार्यक्रम में भी चुनावी रंग नजर आया। कार्यक्रम में किरार समाज के अध्यक्ष और सीएम की पत्नी साधना सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ समेत समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह का धाकड़ समाज ने भव्य स्वागत किया। समाज ने मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी को चांदी का मुकुट पहनाकर चांदी का गदा भेंट किया। इस अवसर पर धाकड़ समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह चौहान ने कहा कि हम कृषि प्रधान समाज है, भगवान बलराम को मानने वाले हैं, इसलिए हमें अपने घरों में भगवान बलराम की एक तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। जमीनी विवाद को लेकर आज सुबह होमगार्ड ऑफिस के पास कार से घर लौट रहे युवक के ऊपर गोली चलने की घटना सामने आई है। आरोपी बाइक से आए हुए थे, जिन्होंने घायल युवक के ऊपर 2 फायर किए हैं। गोली फायर होने के बाद कार पेड़ से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक युवक शुभम तिवारी बनखेड़ी से ड्राइवर और अपनी मां के साथ घर लौट रहा था, तभी होमगार्ड ऑफिस के पास चलती गाड़ी पर 2 बाइक सवारों ने गोली चला दी और जैसे ही गाड़ी रुकी तो रुकी गाड़ी पर भी युवकों ने फायर कर दिया। वहीं घटना के बाद गाड़ी पेड़ से टकरा गई। जमीनी विवाद का यह मामला काफी समय से 2 पक्षों में चल रहा है। मामले में पुलिस ने बताया कि करीब 1 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर घायल युवक के ऊपर भी नाम सामने आया था। वहीं अब घायल युवक के ऊपर गोलीकांड से में नाम सामने आया है, जिसमें बिल्डर हरीश शर्मा के बेटे पुणेश शर्मा, साजन राजपूत एवं एक अन्य व्यक्ति भी इस गोलीकांड में शामिल थे। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज अभी भी जारी है। ए न्यूज टुडे से दीपेश पटेल की रिपोर्ट। ये सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवम तिवारी नाम का व्यक्ति है, उसको गोली लगी है। घटनाक्रम
हाउस होमगार्ड ऑफिस के पास में पीडब्ल्यूडी की पुलिया है, वहाँ का है। बताया जा रहा है, बताया गया है इसके द्वारा कि ये बनखेड़ी से अपने परिवार माँ और एक ड्राइवर के साथ लौट रहा था, जिसमें ये जैसी एजी के तराई को पार करता हुआ अपने घर तरफ जा रहा था, तो तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और चलती गाड़ी में फायर किया। उसके बाद इसी गाड़ी ऑन द स्पॉट एक जगह टकरा गई, उसके बाद आरोपी वहाँ से फरार हो गए। कितने फायर हुए हैं सर, और कौन सी गाड़ी से आए थे? तीन लोग थे जिसको इसने आइडेंटिफाई किया, एक पुणेश शर्मा और एक साजन राजपूत। इसने पहली गोली चलती गाड़ी में लगी है और दूसरी गोली रुकने के बाद उन्हें फायर किया, उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। कोई पुरानी रंजिश सर? इसकी स्थिति अभी समान है, साजन इसकी सर्जरी कर रहे हैं, बाकी स्थिति सभी समान है और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम अपनी रवाना कर दी है। कुछ पारिवारिक विवाद है क्या सर पुलिस? अभी ये चीज़ों का खुलासा होगा, अन्य परिवारजनों से भी उनके बयान आरोपी हमला हुआ है, ये सभी तत्वों पर जांच की जाएगी, उसके बाद खुलासा करेंगे। अभी उस चीज़ के लिए टीम हमारी लग गई है, सीसीटीवी फुटेज के लिए, जो भी चीज़ सामने आएगी आपके पास। सर आरोपी जो शर्मा का नाम आ रहा है, वो उसके पिताजी का नाम क्या आ रहा है? पुणेश शर्मा, पिता हरि शर्मा। घटनाक्रम हुआ है, क्या घटनाक्रम है? हम लोग मामा जी के यहाँ से आ रहे थे, हम लोग वहाँ से 3:30-4 बजे करीब निकले। वहाँ से आते आते मेरा तो नींद में झपका लग गया था, और यहाँ आके मेरे लड़के को गोली मारी। किसने मारी? मेरा तो नींद में झपका लगा हुआ था, एकदम से वो चिल्लाया मम्मी, तब मेरी नींद खुली। उतने में फिर मेरे को हमारे हम लोगों ने फिर फोन लगाया तो सब लोग इकट्ठे हो गए। क्या लगा, क्या बाइक से आए? सब बाइक से आए हुए थे। कितने लोग थे? अब ये मैंने मेरे नींद में उसी ने देखा है कि कितने लोग थे, मगर वो गोली आवाज आई थी मेरे। अभी कैसी स्थिति उनकी? उनकी स्थिति अभी हॉस्पिटल में है, सरकारी हॉस्पिटल में है मेरा लड़का। ये घटना के बाद गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गई? वो गाड़ी में ठुक गई, पेड़ में ठुक गई थी। कहाँ की घटना है ये? अपने होमगार्ड ऑफिस के उधर गई। कोई पुरानी रंजिश भी सामने आ रही है, ऐसी कोई बात सामने है? अब पुरानी रंजिश से भी हम लोगों का जमीन का लफड़ा चल रहा है बहुत दिनों से, उसी का सब रंजिश चल रही है। कौन है, कौन लोगों के साथ है आप लोगों को, क्या किस पर? अपना हरि शर्मा है इन लोगों पे कि हमारी जमीन है, मेरे ही नाम से जमीन थी, इन लोगों ने ज्यादा बेच ली, हम लोगों को कम दी। मैं पढ़ी बिना पढ़ी लिखी हूँ, जब मेरे लड़के को समझ में आया कि इसमें से मेरी जमीन बहुत सी मतलब वो हो गई है, तब उसने कुछ उठाया वो, तो इन लोगों ने हम लोगों को दबाना शुरू कर दिया। मेरा आदमी अपंग है, एक पैर नहीं है उनके, और मैं बिना पढ़ी लिखी थी। जब उसकी मतलब जब वो बड़ा हुआ तब उसने ये चीजें बोली, तो उस पर ये हमला चालू कर दिए। कॉम्प्रोमाइज वाली बात सामने आई थी? नहीं नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं वो, तो ये बोल रहे हैं कि हमने पट लेंगे। पिछले साल कोई गोली कांड हुआ था जिसमें आपके बेटे पर भी आरोप लगा था क्या? आरोप गोली कांड पिछले साल भी इसी उस पे हुआ था। तो उसमें आरोप किस पे लगे थे? आपके बेटे पे भी थे क्या उसमें? हाँ, बेटे पे भी था मेरे पे। उसी के बाद कॉम्प्रोमाइज हुआ था ऐसी बात नहीं? वो जो एक जो भैया थे उनसे कॉम्प्रोमाइज हुआ, इनसे नहीं हुआ था। ठीक है। कांग्रेस भूख हड़ताल जारी, कार्यकर्ताओं ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप, अगर कमलनाथ की सरकार आई तो जल्द ही नागदा बनेगा जिला। नागदा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर नागदा के कन्याशाला चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 11वें दिन की भी हड़ताल जारी है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा से खास बातचीत में कांग्रेस शहर अध्यक्ष राधे जायसवाल ने बताया कि कमलनाथ सरकार ने अपनी 15 माह की सरकार के दौरान नागदा को जिला घोषित किया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों की खरीद फरोख्त पर कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था, जिसके बाद सत्ता में आई शिवराज सरकार ने नागदा को जिले की प्रतिक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। नागदा को जिला बनाए जाने की गजट नोटिफिकेशन की प्रतिक्रिया को नहीं करवा पा रही है। वहीं अभी कुछ दिनों पहले नागदा का जिला बनाए जाने के लिए नागदा बंद भी किया गया था। इस बात पर जायसवाल ने कहा कि नागदा जिला बने इसके लिए नागदा का हर एक व्यक्ति तैयार बैठा है। नागदा को जिला बनाए जाने के लिए नागदा के सभी व्यापारियों ने भी पूर्ण समर्थन दिया, इसके लिए सभी व्यापारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। नागदा अगर जिला बनेगा तो लोगों को काफी फायदा होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज आएंगे, बड़े अस्पताल जिले में आएंगे, और भी काफी फायदे यहाँ के लोगों को प्राप्त होंगे। एन्यूज़ टुडे से संजय शर्मा की रिपोर्ट। घोषणा नहीं करते तो कांग्रेस की सरकार बनते ही 15 दिवस के अंदर नागदा जिला अस्तित्व में आ जाएगा, और भगवान ने चाहे 26 जनवरी को नागदा में जिले में ही झंडा फहराया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस की तरफ से जो जिला नागदा को बंद का आह्वान भी किया था, जिसे
सभी व्यापारियों ने समर्थन दिया था, जनता ने समर्थन दिया था, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित ही नागदा की जनता और नागदा के व्यापारी और नागदावासी तो सभी चाहते हैं कि नागदा जिला बने। अगर उनको वो अगर नहीं चाहते तो ऐतिहासिक नागदा बंद नहीं रहता। यहाँ की जनता ने और यहाँ के व्यापारियों ने जो समर्थन दिया उसके लिए मैं कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिला बनेगा तो आपके हमारे नागदा के व्यापारी और जितने भी सारे लोगों को बहुत लाभ मिला है। जो बाहरी बहुत सारे लोग जब जिला बनेगा तो यहाँ पर आएंगे तो खाना भी यहीं खाएंगे, सामान भी यहीं खरीदेंगे, गोली दवाई भी यहीं से लेंगे, किराने का सामान भी यहीं से लेंगे, तो निश्चित ही हमारा क्षेत्र और उन्नति की ओर अग्रसर होगा। अब ये जो वर्चस्व जैसे लड़ाई जो हो रही है वर्चस्व की हो रही है कि अब जैसे कांग्रेस जिला तो नागदा घोषित हो चुका है परंतु ये बीजेपी कहना चाह रही है कि ये जो जिला बने तो हमारी तरफ से बने और कांग्रेस कह रही है हम बनाए, तो ऐसे मतलब इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी ने बोला कि विधायक जी का सपना है नागदा जिला बने। अब इस नागदा जिला बनाने में जो जो भी सहयोग करेगा विधायक जी और कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से उनका स्वागत और सम्मान करेगी। हम जो हमारा सहयोग जो इस जिले के लिए सहयोग करेगा चाहे कोई से भी दल के हो या कोई भी संस्था जो जो लोग इसका सहयोग करेंगे उसमें दिलीप सिंह जी गुजर और कांग्रेस कमेटी का पूर्ण समर्थन रहेगा। चलिए धन्यवाद। राधे जी आज जो कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन का 11वां दिन है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब का सपना है कि मेरा क्षेत्र उन्नति करे, विकास करे और यहाँ के जो बेरोजगार युवा उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो। यहाँ से हमारे स्टूडेंट है जो आज बाहर पढ़ने जा रहे हैं उन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा यहाँ प्लेटफॉर्म मिले ताकि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, चाहे मेडिकल लाइन हो या इंजीनियरिंग हो, ITI हो, ये सारी सुविधाएं हमारे नागदा में हो। इन सब चीज़ों को लेकर जब विधायक जी बड़े IAS अधिकारियों से चर्चा करते थे उन अधिकारियों का कहना था कि भैया ये सारे जो आपकी जो डिमांड है जो चीजें सब ये जिले लेवल पे होती है, उन्होंने तब एक सपना देखा कि क्यों ना मेरा नागदा भी जिला बने। आज दोपहर रामद्वारा स्थित रेस्ट हाउस में नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की बैठक। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव को लेकर जताई नाराजगी। सिंगल ट्रैक पर कांग्रेस चलाने का लगाया आरोप। नव नियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कटारे की नियुक्ति को लेकर भी जताया असंतुष्टि। चुनावी साल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस प्रकार की नाराजगी से कांग्रेस को नुकसान होने की आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं। नाराजगी को लेकर चर्चा के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से भी मुलाकात करने पर किया गया विचार। कांग्रेस में किस पद पे हैं, आज यहाँ किस प्रकार की बैठक आयोजित की गई हमारे लोगों की? मैं दीपक वाजपेयी पूर्व जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व पार्षद और पूर्व प्रतिनिधि जिला अधिवक्ता संघ। आज किस प्रकार की बैठक आयोजित की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की? आज बैठक पिछले कई सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार में भी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। लगातार केस दर्ज हो रहा है, केस दर्ज में अभी आपने देखा हो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज कपूर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केस लगाया, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक जी ने उसकी मदद ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति की मदद की। इन सारी तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ मीटिंग आयोजित की गई है और पूर्व में भी हमने देखा है कि हमारे विधायक के कार्यकाल में लगभग 3 से 4 अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के बदल चुके हैं। क्या कारण है कि उनके साथ लोग छोड़कर भाग जाते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे कमल सलाहकारी जो वरिष्ठ लीडर हैं, कई चुनाव कांग्रेस के लड़वा चुके हैं, उनको ही अपमानित करके उनको इस पद से हटाया गया। साथ में जिसको बनाया है, मैं ये दावा करता हूं कि उसने कोई भी कांग्रेस के आंदोलन में न कोई भाग लिया है, न भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का या मुख्यमंत्री का कोई भी पुतला जलाया हो। आप लोग पत्रकार हैं, आपके पास अगर कोई फोटो हो तो आप मुझे जरूर याद करें, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा उस दिन से। नहीं, अभी जैसी बात चल रही थी एक व्यक्ति कांग्रेस को जेब में रखे हुए जी, अपने पर्चे लगाइए जी। मैं आनंद प्रताप सिंह हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। आज साहब यहाँ पे जो है हमारे विदिशा कांग्रेस परिवार के हमारे सभी सम्मानीय सदस्य आदरणीय पूर्व जनपद अध्यक्ष रणदीप सिंह साहब हैं, मनोज कपूर साहब हैं, देवेंद्र राठौर जी, दीपक वाजपेयी जी हैं और अपना कल प्रभुदयाल यादव जी हैं, मजहर अली जाफरी जी हैं और भी काफी सारे वरिष्ठ नेतागण हैं हमारे, सुंदर सिंह जी हैं, सभी लोग कांग्रेस के सिपाही यहाँ बैठे हैं और आज इस विषय पर चिंतन करने के लिए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जैसे हमारी सरकार बनने जा रही है तो उसमें उस सरकार बनने में हमारा विशेष योगदान हो। हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के लोग उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी प्रदेश में सरकार आए। हमारे यहाँ से विदिशा की 5 सीटों में से
मैक्सिमम सीटें हम चुनाव जीतें, इस विषय पर अपनी भूमिका को तय करने के लिए हम सब लोग आज यहाँ बैठे हैं। और नारी सम्मान योजना, एक व्यक्ति कांग्रेस को जेब में रखता है, कौन है वो, क्या क्या पूरी मामला? देखिए साहब, सारे लोगों की पीड़ा इसी बात को लेकर है, वो अपने अपनी तरह से जो है लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति सिंगल ट्रैक जो है वो कांग्रेस चलाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, हमारे वरिष्ठ नेताओं को जो है अपमानित किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो है किया जा रहा है। और इस विषय को लेके यहाँ आज मंथन हो रहा है कि सब लोगों की पीड़ा है, सब लोग इस पीड़ा को इकट्ठा जी। उस व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए, जो पद पे होगा ये असंतोष जो है उसी के प्रति होगा, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली से जो है हमको कांग्रेस पार्टी के तो हम साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, जिला कांग्रेस के साथ हैं, संगठन के साथ हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष के हम साथ नहीं हैं। और व्यक्ति विशेष के को लेके हम जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। आज हम सब लोग यहाँ ये बैठने तय करने के लिए जो किए हैं और ये बैठक आयोजित की गई। आनंद भाई, ऐसी स्थिति में अगर मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।